2001 में मार्च में स्वामी ने हमें इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू में जैसे ही हम रूम में एंटर किए तो स्वामी ने सबसे पहले सत्यम को पूछा, सत्यम 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 हाउ आर यू, ऐसे करके स्वामी ने स्टार्ट किया था इंटरव्यू। और फिर जैसे ही हम बैठे स्वामी के चरणों में तो स्वामी ने उसी समय हाथ घुमा के ये चेन और लॉकेट क्रिएट किया, और ये स्वामी ने मुझे उस वक़्त मेरे गले में डाला था। इंटरव्यू ऐसे स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद स्वामी ने संजय से पूछा था कि व्हाट डू यू वांट, जो संजय ने आपको बताया कि स्वामी ने अपने दोनों चरण हम दोनों के सिर पे रखे। उस समय स्वामी ने हमारे बच्चों को बहुत प्यार दिया, और तीनों बच्चों को ऐसे फेस पे ऐसे जैसे थप्पड़ मारते हैं ऐसे करके बोला, गुड बॉयस। तो मुझे उस चीज़ की एक मेमोरी है कि स्वामी ने मेरे बच्चों को गुड बॉयस बोला था। और उसी इंटरव्यू में जब स्वामी ने हमको अपने चरण हमारे सर पे लगाए, उसके बाद स्वामी ने मेरी तरफ़ देखा तो मैंने स्वामी को कहा कि स्वामी मेरा प्रेयर में ध्यान नहीं लगता। तो स्वामी ने बोला, लगता है ना माँ, देखो मैं तुम्हारे स्वप्न में आया, एक माला गिरा और तुम मुझे डाउट करता है, तुम सोचता है स्वामी है नहीं है, है नहीं है। माँ आई एम ऑलवेज विद यू, आई एम विद यू, इन यू, अराउंड यू, व्हाई डू यू डाउट मी। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपने रामानंद सागर जी की बनी हुई रामायण देखी हो तो उसमें एक प्रसंग में सीता जी स्वयंवर से पहले गौरी माता के मंदिर में जाती हैं और पूजा करती हैं। तो जब वो प्रणाम करती हैं गौरी माता के मूर्ति के आगे, तो माता का जो हार है, फूलों का गार्लैंड है, वो मूर्ति से गिरकर सीता जी के सिर पे आके गिरता है। और मुझे एक टाइम पे स्वप्न आया था कि मैं ऐसे गौरी माता को प्रणाम कर रही हूँ और उनका गार्लैंड मेरे सिर पे गिरा। और ये ड्रीम मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया था। और स्वामी ने मुझे जब बोला, माँ मैं स्वप्न में आया, मैंने माला डाला और तुम डाउट करते हो, स्वामी है स्वामी नहीं है, व्हाई डू यू डाउट मी। तो आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड के मेरा ड्रीम स्वामी को, स्वामी ही तो थे, तभी तो स्वामी को पता है, और मैंने किसी से नहीं बताया था। तो स्वामी ने एक तरह से जैसे प्रूव किया कि मैं, मुझे सब पता है, हर एक चीज़ का मैं ही मालिक हूँ। उस इंटरव्यू में स्वामी ने हमें बहुत ब्लेस किया और हमारे बच्चों को ब्लेस किया। सरांश को स्वामी ने पूछा कि व्हाट इज़ एजुकेशन, तो ही सेड के स्वामी एजुकेशन इज़ फॉर लर्निंग। स्वामी ने बोला, स्टडी टू बिकम स्टडी, स्टडी इज़ फॉर स्टडी। ही सेड के यू हैव सो मैनी स्किल्स, बट अगर तुम स्किल को ठीक से यूज़ नहीं करते हो तो तुम उसको किल करते हो। तो स्वामी से डोंट किल योर स्किल्स। तो ऐसी छोटी छोटी बातें स्वामी ने हमारे बच्चों को गाइड किया बहुत छोटी छोटी बातों में। ऐसे ही एक और इंटरव्यू में स्वामी ने सरांश को पूछा कि डू यू वॉन्ट टू बी गुड और ग्रेट। तो स्वामी ने कहा कि रामा न्यू 38 लैंग्वेजेस, रावण ऑल्सो न्यू 38 लैंग्वेजेस, बट रामा यूज्ड फॉर गुड, रावण यूज्ड फॉर बैड। ऑल नॉलेज इज गुड, बट इफ यू यूज फॉर बैड देन इट बिकम्स बैड। तो फिर स्वामी ने रिपीट किया सरांश को, यू वॉन्ट टू बी गुड और ग्रेट। तो सरांश ने बोला, आई वॉन्ट टू बी गुड। तब स्वामी ने उसको बहुत प्यार किया और बोला कि यूज़ योर एजुकेशन फॉर गुड। तो स्वामी ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया कि
वाटर इज गुड. अगर पानी को हम लाल बोतल में डालते हैं तो लगता है पानी लाल हो गया, हरे में डालते हैं तो हरा हो गया, नीले में डालते हैं तो नीला हो गया. लेकिन पानी तो पानी ही होता है, सिर्फ बोतल का रंग अलग होता है. इसी तरीके से पानी हमेशा अच्छा होता है, एजुकेशन हमेशा अच्छी होती है, लेकिन अगर हम उसको यूज़ गलत करते हैं तो वो गलत है. तो जिस समय स्वामी ने राम जी और रावण का एग्जाम्पल लिया, तब स्वामी ने सरांश को बोला कि हाउ विल यू टेक अ लोन. तो सरांश क्योंकि उस वक़्त छोटा ही था तो उसको नहीं समझ आई शायद. फिर स्वामी ने दोबारा पूछा कि अगर तुम्हें लोन चाहिए तो व्हाट विल यू डू. तो सनान सेड आई विल टेक इट फ्रॉम द बैंक एंड देन रिटर्न इट विद इंटरेस्ट. तो स्वामी ने बोला कि ईदर यू विल मॉर्टगेज योर प्रॉपर्टी और यू विल गिव अ श्योरिटी फ्रॉम अ गुड मैन. हु इज द गुड मैन? गुड मैन इज गॉड. Why will God give your surety? He will see your punarjanam. So Swami said, do good work. Ki apne punarjanam, apne achhe karam se apna bank account ko banao. To Swami ne kaha ki do good work, do hard work. Ye choti choti baatein mujhe aise yaad aati hain ki jaise Swami ne life lessons diye हमारे बच्चों को कि अपनी लाइफ को कैसे जीना है. स्वामी ने बोला कि एवरीवन वांट्स क्विक वर्क बट यू डू हार्ड वर्क. तो एक रास्ता स्वामी ने एक रास्ते पे डाल दिया हमारे बच्चों को. ऐसे ही एक टाइम पे मुझे याद आता है कि हम लोग इंटरव्यू रूम में थे और सत्यम उस वक़्त 5 साल का था. तो स्वामी ने बच्चों से बात कर रहे थे तो संजय ने कहा कि स्वामी सत्यम भी अब भजन गाने लग गया है, श्लोक बोलने लग गया है. तो स्वामी ने बोला यस बट ओनली मदर इज़ टीचिंग, देर इज़ नो गुरु. तो उस वक़्त मुझे ऐसा एहसास हुआ कि स्वामी चाहते हैं कि स्वामी को के स्वामी चाहते हैं कि सत्यम को एक गुरु से ये म्यूज़िक सिखाया जाए. तो जब हम घर आए तो फिर मैंने इसके लिए एक म्यूज़िक टीचर ढूंढे जो इसको फिर शास्त्रीय संगीत सिखाया. फिर सत्यम ने बहुत सारे भजन गाए और अभी भी गाता है. तो स्वामी ने एक उसको डायरेक्शन दिया कि तुम म्यूज़िक सीखो. और शिवेन के बारे में मेरी मोस्ट प्रेशियस मेमोरी जो स्वामी की है कि स्वामी ने शिवेन को पूछा कि व्हाट डू यू वांट टू बी. तो शिवेन ने कहा कि स्वामी आई हैव नॉट डिसाइडेड. तो स्वामी कहते दिस इज़ द टाइम टू डिसाइड, यू हैव टू डिसाइड. तो स्वामी ने शिवेन और सत्यम को दोनों को ऐसे एड्रेस इकट्ठे बात करते हुए बोला डू यू नो कंप्यूटर. तो दोनों ने ऐसे किया तो स्वामी ने कहा कंप्यूटर नॉट गुड, योर कंप्यूटर इज हियर, दिस इज योर कंप्यूटर, यू बी अ कंपोजर, डोंट बी कंप्यूटर. सो स्वामी ने उनको ऐसे डायरेक्शन दी कि अपने दिमाग से काम लो, अपना दिमाग से चीज़ को कंपोज करो. तो उस डायरेक्शन से सत्यम ने ऑफकोर्स म्यूज़िक तो सीखा और लेकिन उसके साथ साथ अब जैसे सत्यम लॉयर है और शिवेन चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो अपने ब्रेन की यूटिलाइजेशन ज़्यादा उनकी इन्वॉल्व है. और उसी टाइम पे इंटरव्यू में जब इंटरव्यू ख़त्म होने लगा तो एक बास्केट में विभूति थी, पैकेट्स भरे हुए थे. तो स्वामी ने वो बास्केट उठाई सबको विभूति बांटने के लिए. तो वो बास्केट उन्होंने शिवेन को पकड़ाई और बोला कि यू हेल्प मी. तो शिवेन ने वो बास्केट पकड़ी हुई थी और स्वामी ने उसमें से मुट्ठी भर भर के सबको बांटा.
तो जब स्वामी ने शिवेन को कहा यू हेल्प मी, तो मुझे ऐसे लगा कि कभी ना कभी तो स्वामी शिवेन को अपने काम में लगाएंगे। तो उसमें भी शिवेन अभी भी जो स्टूडेंट्स की मैगज़ीन है विद्युलेखा, उस टीम के साथ काम करता है। तो मुझे लगता है स्वामी ने पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था इसको। सितंबर 2001 में स्वामी ने हमें इंटरव्यू दिया था, और इस इंटरव्यू में स्वामी ने अपना चोला संजय को दिया था, और साथ ही उन्होंने मुझे ये लॉकेट और चेन क्रिएट करके दिया था, जिसमें ये दुर्गा माता की प्रतिमा है। तो जब स्वामी ने ये मुझे दिया, तो मैंने स्वामी को बोला कि स्वामी, आपने पहले मुझे ये शिरडी बाबा की चेन भी दी थी। तो ही सेड के यस माँ, फर्स्ट शिरडी बाबा, नाउ दुर्गा माता, यू कीप बोट, कीप इनसाइड। तो इसी इंटरव्यू में मैंने स्वामी को कहा था कि स्वामी, आपके साथ एक फ़ोटो चाहिए। तो ही सेड के ठीक है। तो हमने कैमरा रखा हुआ था बाहर पहले से परमिशन लेके। तो जब उन्होंने फ़ोटो खींचने लगे, ये वाली फ़ोटो थी उस दिन की है ये, और एक और भी फ़ोटो थी जिसमें कि स्वामी और संजय और मैं, हम तीन लोग ही थे। और उसमें जब हम सामने देखने लगे, तो स्वामी ने मुझे बोला, संजय की ओर इशारा करके स्वामी ने मुझे बोला, यू लुक टू हिम, ही लुक्स टू मी। तो उस पिक्चर में मैं संजय की तरफ ही देख रही हूँ और संजय स्वामी की ओर देख रहे हैं। तो दैट वाज माय डायरेक्शन फॉर लाइफ, के भगवान ने मुझे बोला कि तुमने जो भी करना है, तुमने संजय के साथ जुड़ के करना है, कि ही विल टेक द लीड इन एवरीथिंग। और मुझे इस चीज़ का बहुत सुकून है कि स्वामी ने मुझे ये एक डायरेक्शन दी कि तुमने जो भी करना है, वो अपने हस्बैंड की जो डायरेक्शन है उसी में करना है, एंड दैट गिव्स मी पीस। तो आई एम हैप्पी टू डू दैट। एक टाइम पे मुझे ड्रीम आया कि मैं साइकिल वंथ हॉल में फर्स्ट रो में बैठी थी, जहाँ पे वैसे मैं नॉर्मली वहीं पर ही बैठती हूँ। तो स्वामी मेरे पास आए, और ड्रीम में उन्होंने मुझे एक राइटिंग पैड और एक पेन दिया, और मुझे बोला कि राइट समथिंग फॉर मी। तो मैं नीचे बैठी थी और स्वामी खड़े थे, और मैं ऐसे उनकी तरफ देख के, मेरे मन में ऐसा भाव आया कि यू आर द लॉर्ड एंड मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, मैं क्या लिख सकती हूँ आपके लिए। तो स्वामी ने फिर मुझे बोला, राइट समथिंग फॉर मी। फिर मैंने स्वामी के हाथ से पेन लिया और मैंने उसमें लिखा, आई लव यू स्वामी। तो स्वामी ने पेन मुझसे पकड़ा और उसके नीचे लिखा, आई लव यू टू। तो वहाँ से शायद मेरी राइटिंग जर्नी स्टार्ट हुई, और संजय ने और मैंने मिलके 7 बुक्स लिखी। सनरेज फॉर संडे से हमने स्टार्ट किया, और सनरेज फॉर मंडे, ट्यूसडे, अप टू सैटरडे। हर एक बुक में 52 इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं। और स्वामी ने पहली 5 बुक्स को तो फिज़िकल फॉर्म में ब्लेस किया, और दूसरी 6th और 7th बुक स्वामी के महासमाधि के बाद हुई, तो वो हमने महासमाधि पे ऑफर की थी। तो सभी बुक्स स्वामी ने ब्लेस की। मम्मी मिसेस मीरा पुंछी स्वामी की बहुत डिवोटी थी, और स्वामी ने एक समय पे उनको एक चेन दी थी और बोला था कि ये मंगलसूत्र है। वो ऐसे ही गोल्ड की चेन थी, और उसमें लक्ष्मी माता की इमेज थी उसमें। तो जब स्वामी ने वो मेरे मम्मी को पहनाई थी, तब उन्होंने बोला था सुमंगली। तो जब मेरे मदर बहुत ओल्ड हो गए, मेरे फादर बीच में से कुछ थोड़ा बीमार हो गए थे, तो एक दिन मेरे फादर ने कहा कि मेरा जाने का टाइम आ गया। तो मेरी मम्मी ने बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्वामी ने मुझे सुमंगली बोला, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो इट वॉज एन अश्योरेंस, इतना मेरी मदर को कॉन्फिडेंस था कि स्वामी ने मुझे सुमंगली बोला, तो इसलिए मेरे डैडी कहीं नहीं जाएंगे।
और जिस वक़्त स्वामी ने शरीर छोड़ा अप्रैल 2011 में, उस वक़्त मेरी मदर को कैंसर था और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन स्वामी के जाने के बाद उनकी एक तरह से विल ख़त्म होगी कि मैं और जीऊँ, और उन्होंने सब कुछ छोड़ना शुरू कर दिया। और फिर अगस्त 2011 में मेरी मदर स्वामी में विलीन हो गई, और 2015 में मेरे डैडी की स्वामी के चरणों में समा गए। एक चीज़ मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि स्वामी ने महासमाधि ली 24 अप्रैल को 2011 में, तो उससे ठीक 10 दिन पहले मेरे मदर को एक ड्रीम आया जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। उसमें उन्होंने कहा कि मैं परती गई थी और वहाँ पे साई कुलवंत हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे, सब ने वाइट ड्रेस पहना था और सबके गले में वाइट फूल की माला थी, और स्वामी वहाँ पर आए और स्वामी का पूरा चोला और चेहरा विभूति से भरा हुआ था। और स्वामी ने मेरे मम्मी को बुलाया और मेरे मम्मी ने बोला, आप क्या बने हुए हो, सारा चोला गंदा किया हुआ है, ये क्या बने हुए हो आप? तो स्वामी ने कहा कि माँ, मैं विभूति से होली खेल रहा हूँ, मेरी आँखों में भी विभूति है, मेरे कानों में भी, मुंह में भी, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आओ तुम मुझे विभूति लगाओ। तो मेरी मदर ने दोनों हाथों से विभूति ली, स्वामी को ऐसे विभूति लगाई। और जब मेरी मदर ने मुझे ये बताया तो मैं भी नहीं समझ पाई कि इस ड्रीम का मतलब क्या है। लेकिन जब स्वामी ने शरीर छोड़ा, हम सब लोग, संजय और मैं और हमारे बच्चे, हम सब लोग तब परती में थे, क्योंकि हम लोग 25 अप्रैल को परती चले गए थे। लेकिन मेरे मदर क्योंकि बहुत बीमार थे, वो नहीं जा सके, तो उन्होंने टीवी पे ही देखा था। तो जब मैं वापस आई तो मैंने उनको बताया कि मम्मा, जो तो उन्होंने टीवी में दिखाया, उसके अलावा जो कर्टन के पीछे था, क्योंकि कर्टन के पीछे स्वामी को उन्होंने जहाँ पर ज़मीन में रखा, फिर बहुत सारी विभूति डाली गई थी, पूरा वो पिट विभूति से भरा था। तो उस वक़्त उन्होंने कहा कि यही तो था जो मैंने देखा ड्रीम में, कि स्वामी ने अपने भक्तों से मुट्ठी भर विभूति उस पिट में डलवाई और मुझसे स्वामी ने पहले ही ले ली। तो ही गेव हर दैट सेटिस्फैक्शन के उन्हें पता था कि मेरी मम्मी नहीं चाहेंगी परती, क्योंकि वो बहुत बीमार थी, लेकिन उन्होंने अपना अंतिम समय पे जो विभूति भक्तों से ली थी वो 10 दिन पहले ही उनसे ली। मेरी मम्मी को इस चीज़ की बहुत शांति थी कि स्वामी के अंतिम समय का भी मैं हिस्सा थी। और फिर उसके बाद कुछ देर बाद उन्होंने भी स्वामी के पास चले गए। स्वामी की डिस्कोर्सेस और बुक्स पढ़ने का मुझे शुरू से बहुत शौक है, और बहुत सारे स्वामी के कोट्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आई वुड से इट इज़ माय मंत्रा फॉर लाइफ, और यही चीज़ मैंने अपने बच्चों को भी सिखाई, कि अगर आप हर पल ये सोचो कि स्वामी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, जो भी मैं बोल रही हूँ, कर रही हूँ, वो स्वामी को पता है, तो मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूँगी। तो यूथ के लिए मैं यही मैसेज दूँगी कि आप हर समय इस कॉन्शियसनेस में जिए कि भगवान मुझे देख रहे हैं, फिर आप कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। और आपकी जो छोटी बड़ी लाइफ की प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि भगवान आपके साथ हैं, तो वो भगवान ही सॉल्व करते जाएंगे और आपकी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। आफ्टर दैट एवरी टाइम आई वेंट टू परती, ऐसा कोई टाइम नहीं हुआ जब मैंने शेव ना करी हो या मैंने बाल ना ठीक से कटाए हो। दैट वॉज माई लेसन। तो आंखें बंद में मैं अपने हाथ से आस पास ढूंढ रहा था कुछ, एंड मेरे राइट हैंड के पास एक बुक शेल्फ थी, उसमें से मैंने जो भी बुक पे मेरी पहले उंगली गिरी तो मैंने वो उठाया और मैंने एक पेज खोला और मैंने देखा वो स्वामी की बुक थी। और उसका जो पेज खोला उसकी फर्स्ट लाइन में लिखा था, यस द एक्शन इज प्रॉम्प्टेड बाय गॉड। फिर वो मेरी तरफ देखते हैं और फिर मेरे को बोलते हैं, स्वामी ब्लेस नहीं करता,
स्वामी विभूति नहीं देता, स्वामी लड्डू नहीं देता।